बदायूं में पटाखे के दुकान में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे की जांच का जिम्मा अब एटीएस को दिया गया है। एटीएस की टीम आज बदायूं पहुंचेगी। उधर सीएम ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएम को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जबरदस्त धमाके से थर्राया इलाका, जमींदोज हो गए 2 मकान। दिवाली के पटाखे ने मचाया कोहराम। बदायूं के रसूलपुर गांव में शुक्रवार शाम 4 बजे पटाखे की एक दुकान में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस जोरदार धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। दुकान में विस्फोट हुआ, 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, 4 लोग घायल हैं, 4 में एक वो गंभीर देखते हुए उसको बरेली रेफर किया जा चुका है। इस हादसे के बाद अब मौके पर आला अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। जांच के लिए टीम तैयार कर दी गई है। एटीएस भी इस हादसे की जांच करेगी। साथ ही डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डीएम साहब ने एडीएम और एडीएसपी की एक ज्वाइंट टीम बनाई है और ज्वाइंट काम दो काम सौंपे गए हैं। एक काम ये होगा, उनको देखना होगा कि इनको जो लाइसेंस दिया गया था किस किस पर्पज़ के लिए दिया गया था और उसमें किस किस पर्पज़ का इन्होंने पालन किया नहीं पालन किया। ये भी देखा जाएगा उस टीम के द्वारा कि इसमें लाइसेंस के रिकमेंडेशन करने में या बाद में लाइसेंस के शर्तों का पालन करने में जो भी नियमित रूप से चेकिंग करनी चाहिए थी पुलिस के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, उन्होंने किया कि नहीं किया, और किया भी तो सही किया कि नहीं किया। उधर सीएम ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएम को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस घटना की पूरी रिपोर्ट उनसे तलब की गई है। हम इस पूरे घटना का पूरा संज्ञान लेकर के अगर इसमें कहीं भी किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई होगी तो उसमें भी कार्रवाई। इसके अलावा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में संवेदना व्यक्त की है और साथ साथ हमको निर्देश ये भी दिए हैं कि घायलों के जो हैं उनको 50 हजार रुपये के दर से और जो मृतक हैं उनके आश्रितों को राहत राशि के रूप में 2 लाख रुपये तत्काल दिए जाएं। हादसे के बाद रसूलपुर गांव में मातम पसरा है। गांव में दिवाली की तैयारी चल रही थी, पटाखे की दुकान भी इसलिए लगाई गई थी, लेकिन इसी पटाखे ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। अमित अग्रवाल, न्यूज़ नेशन, बदायूं।